वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमने सेलिब्रेट करना है समर बिन अल्लाह को और उनके काम को, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है। वो आप कोई पोस्ट लगाए ना रात को फेसबुक पे या इंस्टा, तो अगले दिन सुबह उठ के आप देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा इतनी लाइक्स हो गए, इतने शेयर्स हो गए, तो समर बिन अल्लाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा। वो रात को सोती है, सुबह उठती है, पता लगा इतने और अवार्ड्स मिल गए। इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसको बहुत से अवार्ड्स। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों? बहुत अच्छा प्रोग्राम सुबह से कर रहे हैं, मैं बैठ के सुन रही थी और एंजॉय कर रही। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुबारक। थैंक यू। तो अब कहाँ से शुरू करें? अवार्ड्स पे बाद में आएंगे जी, पहले बताएं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है और ये क्यों इतनी पॉपुलर हो गई, क्या सीन है? तौसीक, इसका टाइटल है आउटस्विंग। ये एक टर्म है क्रिकेट की, आउटस्विंग। बिल्कुल। तो वो बेसिकली मैं जाती थी, एक स्कूल है यहाँ मशल स्कूल, ठीक है, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए है। हाँ। और ज़ेबा हैं जिन्होंने ये शुरू किए हैं, तो मैं ज़ेबा हुसैन, तो मैं उधर बस जाके, सिर्फ मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई बनाऊं फिल्म, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ पे बनाऊं। वो ज्यादातर बेसिकली उन बच्चों के को स्कूल में दाखिला देती हैं जो कभी स्कूल गए नहीं। एग्जैक्टली। स्ट्रीट चिल्ड्रन है, स्ट्रीट चिल्ड्रन कूड़ा चुनते हैं, और उनके लिए उन्होंने बहुत अरसा पहले ये छोटी सी एक दो कमरों की एक बिल्कुल चीज बनाई थी, आई रिमेम्बर। तो मैं उधर बस वक्त गुजारती थी और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि एक टाइम होता है जब ये सब लड़कियां ग्राउंड में आती हैं और क्रिकेट खेलती थी। अच्छा। तो वो जो इमेज है ना कि बच्चियां हैं, कोई खैबर से आई है, कोई मर्दान से आई है, चादरों में, एकदम से वो जब ग्राउंड में आती हैं उनकी पर्सनालिटी बदल जाती है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए वो इमेजेस बहुत ज्यादा, वो आपको तो पता है जब तक कोई चीज आपके दिल पे नहीं लगती आप नहीं उस पर कुछ कर सकते ना, तो वो मुझे लग रहा था इस पे फिल्म बनानी बहुत जरूरी है। Okay. नाम इसका मुझे मतलब बहुत अट्रैक्ट किया, आउटस्विंग। जी, आउटस्विंग एक खास टाइप की डिलीवरी है, तो इन लड़कियों की जिंदगी भी जो है वो खुद एक बहुत रिस्की डिलीवरी होती है। उससे मतलब वो भी हो सकता है, आप कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिस्की भी है, तो मेरे लिए इन चौका भी पड़ सकता है, कुछ भी हो। एग्जैक्ट। तो इनके लिए क्रिकेट खेलना ही एक आउटस्विंग डिलीवरी की तरह कि वो थोड़ी देर की खुशी उनकी जिंदगी में इतनी उम्मीद लाती है कि वो उनको कॉन्फिडेंस देती है, वो उनको खुशी देती है, लेकिन वापस वो उन्हीं चैलेंजेस पे जाती हैं कि सुबह उठ के उन्होंने खाना भी पकाना है, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी है, लेकिन जब वो क्रिकेट के लिए आती हैं तो वो इस तरह मुझे मतलब कैमरे के सामने कह रही थी कि हमसे सब कुछ भूल जाता है, हम कहते हैं जब इधर आते हैं तो हमने इधर क्रिकेट का सोचना है, जैसे कोई टेड टॉक है ना। तो मैं मतलब वो उनकी जब बातें सुनती थी वो इतनी मेरे लिए इंस्पायरिंग होती थी कि मैं कहती थी हम लोग किन चीज़ों को कंप्लेन करते हैं, इनके लिए सिर्फ वो ग्राउंड में आना जो है वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। किस कितना दौरानिया है इस फिल्म का और ये किस जबान में बनाई है? ये 26 मिनट्स की है, ये पश्तो में है लेकिन सब टाइटल्स के साथ है, और क्योंकि वो बच्चियां सारी ज्यादातर सबके पीस से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन तौसीक, जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इनका जो कोच है वो भी पश्तो स्पीकिंग पठान है, वो एक मर्द है। जो कि कहते हैं कि मैं जब इनको ट्रेन करता हूँ मैं ये नहीं देखता ये लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन है इस ग्राउंड में। मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो जिस तरह उनको ट्रेन करता है, तो वो एक टाइम था जब वो कहता है कि मैंने इनको कहा है देखो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, और वो लड़कियां भी ना वो इतनी सीरियस थी उस मैच के बारे में। अच्छा। और वो भी कह रहा था, आपस में था उनका, वो एक यहाँ स्कूल है खल्दूनिया। ओके। तो बहुत नाइस ऑफ देम कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लोग आए और हम लोग प्रॉपर मैच करेंगे, तो उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि हम इनको करें जरा फैसिलिटेट के मतलब इनको अगर जिताना हो या कुछ, तो हमने कहा नहीं प्लीज, अगर हार जाते हैं हारने दें, लेकिन बिल्कुल नेचुरल हो मैच। फिर वो मैच कौन जीता?
वो ये लोग जीती, ये लड़कियां जीती और वो ऐसे जीती कि जैसे ना वो, क्योंकि एक कह रही थी मैं तो शाहिद अफरीदी की फैन हूँ, इनके लिए वो जिंदगी मौत का सा, और इंडिया पाकिस्तान को इमेजिन जब डाल दिया ना बीच में तो वो अच्छा कुछ तस्वीरें भी है हमारे पास उस डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए समर की, तो मैं चाहूंगा कि कंट्रोल रूम अगर वो तस्वीरें हमें साथ साथ दिखाएं। हाँ ये तो उसका टाइटल है बिल्कुल आउटस्विंग। ओके और ये वो बच्चियां हैं जी? नहीं, ये एक और जगह में मैं फिल्मिंग कर रही थी उसकी थी, तो बेसिकली यही है तौसीक के जब तक आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे लोगों के साथ तो वो अपने दिल की बातें आपके साथ नहीं शेयर करने में कंफर्टेबल होते ना। और वो ही इन बच्चियों का भी होता था कि जब आप शुरू करते थे इनसे बातें, ये जैसे वो कोच हैं बीच में, ये पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि क्यों आप इजाजत दें तो यही लड़कियां आपके लिए इज्जत, अब आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी प्राइड लाएंगी। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। वो जो और ये तीन बच्चियां हैं जो कि क्रिकेट खेलती हैं, तो ये इधर बैठ के अपना वो तस्वीरें देख रही हैं और खुश, मतलब मेरे लिए ये बात कि ये हंसती भी हैं, ये खुश भी रहती हैं और ये जैसे क्रिकेट के लिए जा रही थी अपनी सब मतलब बैट लेके बॉल किट लेके तो ये वो कोच हैं बिल्कुल। ओके तो और तौसीक ये खुद जो है ये भी क्रिकेटर थे, ये वो मैच जीतने के बाद की तस्वीर है, वो जेबा भी हैं हम लोग सब और ये सब फिर बहुत इन्होंने सेलिब्रेट किया इसके बाद। जबरदस्त। अच्छा तो ये फिल्मिंग जो आपने की वो बेसिकली सिर्फ उस एक मैच की और उसी के ऊपर पूरी कहानी रिवॉल्व करती है या स्टोरी बैक पे भी आप गई? तो सीख में तकरीबन हर रोज बस वहां जाके बैठ जाती थी और ना वो फिर एक एक लड़की से मैं पूछती थी उनकी जिंदगी, तो वो किसी का था कि वो किन चैलेंजेस से इधर आती है कि सुबह वो कहती है मैं तो 5 बजे उठ के सब घर के काम ख़त्म करती हूँ ताकि मैं इधर आ जाऊँ मतलब और हमारे शहर के बच्चे बहाने ढूंढते हैं ना कि उन्हें छुट्टी मिल जाए, वो कहती है नहीं हमने पहुँचना है स्कूल और वो ग्राउंड में। तो ये डिफरेंस है ना। और जहाँ जहाँ इस फिल्म को अवार्ड्स मिले मुझे सिर्फ इस बात पे खुशी होती है कि वो कहते हैं कि इसने इन लड़कियों को बहुत इंटेग्रिटी और एम्पथी के साथ। एग्जैक्टली अवार्ड्स में हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक समर लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अवार्ड्स पे भी बात करेंगे कि क्या अवार्ड्स मिले। बिल्कुल। लेकिन हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इन बच्चियों के ड्रीम्स क्या हैं। जरूर। ये बच्चियां आज से 20 साल बाद 10 साल बाद अपने आप को कहां देखती हैं? जरूर। ये जानना भी बहुत जरूरी है। राइजिंग पाकिस्तान में मेरे और सबीन के साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। समर मिनल्ला हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसको इंटरनेशनली बहुत नाम मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, आउटस्विंग, आज हम उस पर भी बात कर रहे हैं और उन बच्चियों की बात कर रहे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों से हैं और क्रिकेट ने उनकी जिंदगी को एक नई जिंदगी, उसको हम कहेंगे एक नई जिंदगी, जो एक लफ्ज़ हम सुनते थे ना, एक नई जिंदगी मिली उन बच्चियों को वाकई ने। समर जरा अवार्ड्स पे आते हैं, कहाँ कहाँ गई ये फिल्म और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना इसको पज़ीराई मिलेगी? नहीं तौसीक, मैं इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि इसमें ना लड़कियों की जरा रेजिलियंस, उनकी हिम्मत, क्योंकि आप ज़्यादातर जब हमारी बच्चियाँ वो भी जो गांव से ताल्लुक़ रखने वाली, उनको जब आप वेस्टर्न मीडिया में देखते हैं तो बहुत विक्टिम्स के तौर पे दिखा, ये लड़कियाँ ना छक्के मार रही हैं और चौके मार रही हैं, तो मुझे होता था कि पता नहीं कि इंटरनेशनली रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उमूमन पाकिस्तान से जब कोई काम ऐसा है तो दिखाया जाता है कि अच्छा बिल्कुल, और कि हमेशा होता है कि मर्द
एक तरह से दिखाए जाते हैं. इसमें जो कोच है वो एक बहुत मतलब वेल ड्रेस्ड और ऑल्दो वो एक बहुत मुश्किल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो लड़कियों को जिस तरह से एम्पावर कर रहे हैं वो खुद एक मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग चीज़ थी. तो खुशी हुई कि फेस्टिवल्स में इसको इतनी ज़्यादा मिली पज़ीराई और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. कॉन्सेप्ट मिला बिल्कुल. और समय ये भी बहुत मुश्किल होगा ना कि जिस तरह से आपने बताया कि इन इन इलाकों से बच्चियां आई हुई थी, उसके बाद उनकी अपनी रिजर्वेशंस, फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस कि कैमरे पे आ भी सकते या नहीं आ सकते. बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वो एग्जैक्टली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज. बिल्कुल, और उसके लिए वो क्योंकि मैं इतने अरसे से इस पे काम कर रही थी तो मेरे लिए ये सबसे जरूरी होता है कि वो जो उनकी फैमिलीज के साथ मैं पहले उनका कॉन्फिडेंस लूँ. एग्जैक्टली बनाने के बाद भी मैंने इतनी लड़कियों के वालिद को दिखाई लैपटॉप पे. बिल्कुल. तो वो देख के तो वो कहीं कहीं हंस पड़ते थे ना. जैसे एक लड़की कहती है कि अभी भी जब रिश्ते के लिए कोई आती है ना तो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ और मैं उन औरतों को कहती हूँ देखो फिर आई ना तुम्हारी टांगे तोड़ूं. तो उस पे ना बाप हंस पड़ा एकदम से उसको. नहीं वो ये नहीं कह रहे कि तो समर हमारे बच्चों को खराब कर रही है उनके रिश्तों से उनको उनके तो सीख वो ना ये सब जो स्पोर्ट्स है ना ये बच्चियों को हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता अच्छा, है. वो अगर 15-16 साल की बच्ची अगर शादी को रिजिस्ट कर रही है जो कि बात भी सही है, हमारे पाकिस्तान के कानून के अंदर भी 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं कर सकती, तो उसके ड्रीम्स क्या है? वो मसलन वो कहती है कि मैंने फिर क्या करना है अगर वो चाह रही है कि मेरी शादी ना हो. तो ये जो लड़की है ये अब लॉ पढ़ना चाहती है और वो इतने उसके ड्रीम्स हैं कि वो कभी कहती है मैं जर्नलिज्म करूं, कभी कहती है मैं स्पोर्ट्स की टीचर बनूं क्योंकि वो इतनी ज्यादा शौक रखती है. तो अब उसने डिसाइड किया है कि वो लॉयर बनना चाहती है. लेकिन तौसीक ये याद रखें ये वो बच्चियाँ जो कि बरीमाम में वो बेचती हैं प्लास्टिक के थैले बेचती थी जब छोटी बच्चियां थी. शॉपर जो नहीं बेच शॉपर. तो इनमें से कोई बच्ची अगर ये भी ड्रीम कर रही है ना कि मैं वकालत करूंगी तो मेरे ख्याल से इसमें स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा हाथ है. बहुत ज्यादा. बिल्कुल. अच्छा समर अपने थोड़े से हमें अवार्ड्स के बारे में भी बताएं. अभी हमने कुछ दिन पहले तौसीक गुड न्यूज में भी अनाउंस किया था जी, 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 समर ने माय हीरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से आपने अवार्ड जीता और वर्चुअली अब तो मैं भूल गई कितने सीरियसली. बल्कि अब ना शर्म आती है वो शेयर करने से. ये जो अभी आपने देखा था वो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि वो कह रहे थे कि प्लीज आप सोशल मीडिया पे शेयर करें. मुझे होता है कि लोग कहेंगे बस ना अब ये तुम माशाल्लाह मतलब जहां जहां ये फिल्म जा रही है काफी सताइश. जी जी मतलब ऑफिशियल सिलेक्शन तो बहुत में कोई 17 फिल्म फेस्टिवल्स में हुआ, लेकिन अवार्ड्स तकरीबन 12 अब तक इसको मिल चुके हैं पूरी दुनिया में. जबरदस्त. जैसे कल एक जापानीज फिल्म फेस्टिवल है सपोरो, उन्होंने ईमेल किया कि जो SDGs अवार्ड होते हैं उसका अवार्ड इसको मिला है. फिर एक एम्स्टरडेम में स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल है उसमें इसको बेस्ट फिल्म का कल मिला. जबरदस्त. तो अब आपने बुलाया है तो मैं इसलिए दो शो मार रही हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है. और समर ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है और हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है कि पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज जो है स्पेशली फीमेल्स का बच्चियों का एक पॉजिटिव इमेज वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है और स्पोर्ट्स के साथ लड़कियों का ना कि वो जी जोड़ना. और तौसीक लड़कियों ने चादरें पहनी है मतलब पूरा वो, लेकिन जब वो छक्का मारती है ना तो बंदा हैरान हो जाता है. जब कैच करती है बंदा हैरान हो. तो ये चीजें मतलब अगर इनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो और लड़कियों को कोई सीरियसली ले कि ये भी स्पोर्ट्स में क्या कुछ कर सकती है. तो मेरा तो ख्याल है इस फिल्म को आपको फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो मैं सोच PCB के साथ स्क्रीनिंग करानी चाहिए. आगे PSL आ रहा है आई थिंक इन बच्चियों को लाइमलाइट में आना चाहिए. एग्जैक्टली वो है पूरा प्लान तौसीक वो भी करना है. फिर गवर्नमेंट के लिए हम लोग अभी सोच रहे हैं उनको दिखाएंगे ताकि वो अपनी पॉलिसीज में इसको किसी तरह से इंटीग्रेट करें. कि देखें
आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, सिर्फ मैं गांव की नहीं कह रही, आप उन्हें कहें कि आप यहां से वहां दौड़ के दिखाएं, वो नहीं दौड़ सकती मजॉरिटी, क्योंकि इतने हमारे इनहिबिशंस हैं, इतना वो बॉडी इमेज और क्या कुछ हमारे जहनों में है ना, तो और वो ना करने से वो कितना कुछ लूज कर रही हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मेरे ख्याल से ये सब फैक्टर्स हैं, तो बिल्कुल मैं तो अभी इंशाल्लाह हम लोग गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनको दिखाना चाहते हैं कि ये बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है। इसका इम्पैक्ट है, देखिए अगर 12 इंटरनेशनल अवार्ड्स इस फिल्म को मिल चुके हैं इसका मतलब है कि द फिल्म आल्सो इज गुड, लेकिन वो जो चीज आपने उठाई है वो भी स्पोर्ट्स। समर आपका अपना पश्तून होना, पश्तो स्पीकर होना, वो कितना उसने फायदा दिया आपको इन बच्चियों से इंटरेक्ट व्हाइल यू वर फिल्मिंग, इनके पेरेंट्स से इजाजत लेने में, वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहा? बहुत ज्यादा तौसीक, वो ना होता तो मेरे ख्याल से मैं ना कर सकती। और इतनी बार होता था जब ये लड़कियां मुझसे बात करती थी तो मैं ना पीछे कैमरे के बैठ के तो मैं मतलब मैं अपने आंसू नहीं रोक सकती थी, क्योंकि मैं इनको देखती थी कि कितनी पॉजिटिव हैं, कितनी मुझे इंस्पायर कर रही हैं, और मुझे शर्म आती थी कि मैं घर जाके मैं इस पे कंप्लेन करूंगी कि बिजली आई कि नहीं आई, हीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इतनी छोटी चीज के लिए इतनी ज्यादा खुश हैं कि मुझे आना मतलब ग्राउंड में आना मैं कितनी लकी हूँ। Exactly. तो वो जब बोलती थी तो बस वो कनेक्शन मुझे लगता है कैमरा या टेक्निक से ज्यादा वो सबसे जरूरी होता है कि आप उनसे कितना कनेक्ट कर सकते हैं। जी समर बिनला हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं उन बच्चियों के लिए और उन बच्चों के लिए जो फिल्म मेकिंग के अंदर है, आजकल तो स्मार्टफोन उठाओ हर कोई अपनी इंस्टा स्टोरीज पे पूरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बना रहा है, लेकिन फिर भी इस ब्रेक के बाद हम समर मिनल्ला से ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री क्या होती है और उसके हवाले से हमारे यंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और मीडिया स्टूडेंट्स को अगर ये कुछ टिप्स दे सकें। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ दे रही हैं समर मिनल्ला, एक मारूफ फिल्म मेकर हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इस वक्त जारी है। बता रही है कि किस तरह से उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है आउट स्विंग, उसने किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया, और स्पेशली हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है स्पेशली फीमेल्स का, बच्चियों का, वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से ये कर रही हैं। सो समर, सबसे पहले तो हम यही है कि हम बहुत प्राइड भी फील कर रहे हैं कि बेसिकली आपने किस तरह से पाकिस्तान का इमेज बनाया, लेकिन इसके साथ साथ अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि आप टिप्स भी दें जो फीमेल, स्पेशली जो फीमेल फिल्म मेकर्स हैं, इमर्जिंग फिल्म मेकर्स जिनको हम कहते हैं, वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने जहन में रख सकती हैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में। सबसे मेरे ख्याल से जो अहम है वो ये है कि पहले तो आपको शौक हो, बहुत ज़्यादा शौक हो, और दूसरा आप पहले जो मोबाइल फोन ही से एक स्टोरी किस तरह इंसान स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकता है, कैसे बुन सकते हैं, कैसे बुन सकते हैं स्टोरी को बुनना होता। मतलब कभी कभी होता है ना कि इन लोगों के जहन में होता है कि नहीं बहुत पैसे होंगे तो हम फिर नहीं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि बहुत कम बजट पे बनी है, क्योंकि उसकी कहानी, उसके शॉट्स, हर कुछ बहुत खूबसूरत है, उसके लिए बहुत महंगे कैमरे का होना नहीं है ज़रूरी। ऑफ कोर्स वो है, लेकिन अगर आपको शौक है तो दूसरा जब आप किसी भी सेंसिटिव इशू पे बना रहे हैं या किसी भी अहम इशू पे बना रहे हैं, उन लोगों की जो इंटेग्रिटी, इज्जत, उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखें वो कभी कभी आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो अगर गरीब हैं तो उनकी गुर्बत पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ कि गुर्बत को
बेच रहे होते हैं, उसकी मिजरी को बेच रहे होते हैं, अपनी रेटिंग के लिए, अपनी फिल्म के लिए किसी की गुर्बत को नहीं। ये सबसे अहम है कि अगर आप किसी गरीब की कहानी कर भी रहे हैं तो पहले जाके अगर आपके शॉट में कहीं नजर आ रहा है कि कुछ ये हटाना है, ये साफ करना है, वो कर दें। हमें ये नहीं दिखाने की जरूरत कि ये कितनी मिजरी में रह रहे हैं, हमें उनकी स्ट्रेंथ दिखानी है कि वो इस मिजरी के बावजूद किस तरह रहे। तो समर, सबसे पहले तो आइडिया है ना, आपकी सोच है। जी जी जी, आपके सामने एक चीज है लेकिन आपकी एक मुस्बत सोच होना भी बहुत जरूरी है कि आपने बेसिकली क्या चीज प्रोजेक्ट करनी है, क्या हाईलाइट करना है और किस तरह करना है। लेकिन समर, मिजरी बेचना आसान नहीं होता। यही तो मसला है जी, क्योंकि वो ही बिकता है। वो मिजरी बहुत ज्यादा बिकती है, वो ही आपको बार बार टीवी में नजर आती है। लेकिन आप बहुत कम देखते हैं कि कोई लड़की सर उठा के, कोई गरीब लड़की कह रही है कि भाई मैंने लॉयर बनना है, मैंने लॉयर बनना है। और अगर कम उम्री में कोई आया मुझे कहने के लिए कि इसकी शादी करो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और बाप भी हंस रहे कि बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि इसने पहले पढ़ना है। ये वाली चीजें हमें दिखानी होंगी ताकि लोग इससे सीखें। मतलब आप प्रॉब्लम्स को, ये नहीं मैं कह रही बिल्कुल छुपाएं, लेकिन सलूशन क्या है वो भी साथ में। आखिर में जो सबीन ने सवाल किया था उसी से जुड़ा हुआ कि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, अब आप बता रही हैं 17 फेस्टिवल्स में आपकी फिल्म थी जिसमें से 12 में से इसको अवार्ड मिला है। फेस्टिवल्स की साइकी क्या होती है, अवार्ड किस चीज को देख के मिलता है, इस पे भी हल्की सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए तौसीक, बहुत मुझे ये खुशी होती है कि जब कोई कहता है कि इसमें आपने कैमरा वर्क अच्छा किया है, आपने कहानियां बहुत अपलिफ्टिंग दी हैं, ये चीज़ें वो बिल्कुल इसको वैल्यू करते हैं। लेकिन साइकी ये है कि बहुत शॉकिंग, बहुत इस तरह की कहानियाँ जो कि बिल्कुल ही नई हों, वो बहुत ज़्यादा उसको स्पेस देते हैं। अच्छा, तो चैलेंज मेन ये होता है कि अगर आप कोई अपलिफ्टिंग भी कहानी कर रहे हैं जो कि ठीक है, वो किसी प्रॉब्लमेटिक बैकग्राउंड से है, लेकिन उसको आप कितनी खूबसूरती से उस क्राफ्ट को कर रहे हैं, वो उस चीज को भी अप्रिशिएट करते हैं। मतलब उसको इतना शॉकिंग होना नहीं है जरूरी अगर नहीं। वो क्राफ्ट आपने ठीक तरह से रिस्पॉन्सिबली और टेक्निकली ठीक तरीके से किया हो। ग्रेट भाई, बड़ा मजा आया समर। मुझे भी बहुत मजा आया और हमेशा आता है। मैं अब आप पता नहीं, मैं नहीं अब जाती बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ असल में मुझे लगता है जैसे होम है, मतलब ऐसे घर का माहौल। पीजी भी होम, वाकई पीजी भी होम बिल्कुल है, बिल्कुल। इसलिए अगर मैं जल्दी पे आ जाऊँ, मैं उधर बैठ के चाय पीती हूँ और मुझे मजा आता है कॉन्वर्सेशन सुनने में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सबीन, अब हमने भी जरा इजाजत लेनी है, बिल्कुल जी। है ना जी, आज काफी कुछ हमने अरहम की गाजरों से लेके, डॉक्टर साहब की डायबिटीज से लेके, और समर की इंस्पायरिंग अपनी भी और इनकी फिल्म की इंस्पायरिंग स्टोरी तक, तो आज काफी कुछ था मेन्यू में। बिल्कुल, गुड न्यूज भी आज हमारे पास बहुत जबरदस्त थी। यस, गुड न्यूज तो मैं भूल ही गया, गुड न्यूज भी थी। तो अब कल तक जी, कल भी काफी मजे की चीजें हम प्लान कर रहे हैं। Exactly. अब हमें आप छुट्टी दें, हम जाके कल का शो आपके लिए प्लान करते हैं। एंड यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।